अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद असद। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 15, कॉन्ग्रेंस एंड सिमिलरिटी। सही है, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कॉन्ग्रेंस क्या होती है, सिमिलरिटी क्या होते हैं। कॉन्ग्रेंट, ज्योमेट्रिकल फिगर्स ऑफ सेम शेप एंड साइज आर कॉन्ग्रेंट। सिंबल है इसका ये, सही है, दो लाइन स्ट्रेट फिर ऊपर से कर्व थोड़ी, कॉन्ग्रेंट का सिंबल। सही है, अब देखिए उसने बोले ज्योमेट्रिकल फिगर ऑफ सेम शेप एंड साइज, यानी कि वो ज्योमेट्रिकल फिगर जिनकी शेप और साइज दोनों बराबर हो। अब एग्जांपल के तौर पे देख लें, ये एंगल के बराबर है, ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, सही है, और ये साइड इक्वल। अब देखिए एंगल एक्स वाई इज इक्वल्स टू एंगल क्यू पी, एंगल वाई जेड इज इक्वल्स टू एंगल पी आर, एंगल जेड एक्स इज इक्वल्स टू आर पी। अब साइड एक्स सॉरी एंगल वो साइड था, ये एंगल है, एंगल एक्स इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल वाई इज इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल जेड इज इक्वल्स टू एंगल आर। सही है, ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये आप वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। अब दूसरी एग्जाम्पल की जानब चलते हैं, देखिए अब ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में भी देखें ये साइड, एक मिनट तो स्टूडेंट्स, ये साइड बराबर, ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, ये साइड बराबर, ये एंगल बराबर, ये साइड बराबर, ये एंगल बराबर, ये साइड बराबर। तो हमने लिख दिया साइड ए बी इज इक्वल टू साइड ई एफ, सही है, साइड बी सी इज इक्वल टू साइड एफ जी, साइड सी डी इज इक्वल टू साइड जी एच, साइड डी ए, देखिए डी ए ये साइड और ये साइड, सही है, इक्वल्स टू एच ई। अब इसमें एंगल लिखना है तो एंगल भी लिख लेते, तो स्टूडेंट्स एंगल भी हमने लिख दिया, एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल एच, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल जी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल एफ और एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ई। ओके, तो ये क्वाड्रिलेटरल्स भी आपस में कॉन्ग्रेंट है। अब इसकी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल क्या, साइड साइड साइड, अगर किसी भी दो ट्राइंगल्स की तीनों साइड बराबर हो, या देखिए ना दो दो ये तीन इस पर, ये तीन इस वाली साइड पर, ये एक और ये एक निशान, तो इफ थ्री क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल, यानी थ्री क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, देन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी एफ आर कॉन्ग्रेंट। ओके स्टूडेंट्स, ये थी पहली प्रॉपर्टी, याद रखें साइड साइड साइड। अब है दूसरी प्रॉपर्टी, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, सही है, इफ इन टू गिवन ट्राइंगल्स टू क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, टू क्रॉसपॉन्डिंग, देखिए ये एंगल इसके क्रॉसपॉन्डिंग, ये एंगल इसके क्रॉसपॉन्डिंग, एंड द साइड्स इंक्लूडेड बिटवीन दीज टू एंगल्स, ये साइड दो एंगल के दरमियान में आ रही है, आर इक्वल, अगर इक्वल है तो ये कॉन्ग्रेंट। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, एंगल साइड और एंगल। अब है तीसरी प्रॉपर्टी, साइड एंगल और साइड, कैसे, देखिए ये साइड, ये साइड, ये एंगल और ये साइड और ये साइड, साइड एंगल साइड, सही है, इफ द क्रॉसपॉन्डिंग टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल इज इक्वल, क्रॉसपॉन्डिंग टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल इज इक्वल बिटवीन टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल के दरमियान, ये देखिए ये साइड और ये साइड के दरमियान एंगल है, इस साइड के और इस साइड के बीच में एंगल है, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, साइड एंगल साइड। अब चलते हैं चौथी प्रॉपर्टी की जानिब, चौथी है आर एच एस, यानी कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, सही है, देखिए ये राइट एंगल, ये इसके कॉन्ग्रेंट, ये साइड इसके कॉन्ग्रेंट, ये साइड इसके कॉन्ग्रेंट। तो हमने लिख दिया एफ फ्रॉम वन ट्राइंगल, अगर किसी भी एक ट्राइंगल से द हाइपोटेन्यूज ऑफ वन साइड, हाइपोटेन्यूज ये सही है, क्रॉसपॉन्डिंग टू वन ऑफ द रिमेनिंग ऑफ टू साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल आर इक्वल, देन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। चौथी प्रॉपर्टी क्या होगा, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। अब जरा सिमिलरिटी पे आ रहे, टू शेप्स आर सिमिलर मीन्स डेट ऑल क्रॉसपॉन्डिंग एंगल एंड क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल इन द सेम रेशियो, यानी सिमिलर शेप्स वो होती हैं जिसकी जिसकी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स और क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं। सही है, एग्जाम्पल के तौर पर ये डायग्राम देखें, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, सही है, एंगल बी एंगल वाई के बराबर है, एंगल सी एंगल जेड के बराबर है, और साइड ए सी फोर है, एक्स जेड एट,
सही। अब देखिए इस क्रॉस बॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होते हैं, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री के बराबर, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है हाइपोटेन्यूस सॉरी परपेंडिकुलर सीधे जा रहे। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल वाई 60 डिग्री क्रॉस बॉन्डिंग है। एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल जेड 30 डिग्री। अब देखिए क्रॉस बॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, उन्होंने बोला क्या एंड क्रॉस बॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो देखिए ए बी 3 के बराबर है और एक्स वाई 6 के, ए बी अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 1/2। इसी हिसाब से बी सी अपॉन वाई जेड इज इक्वल्स टू बी सी साइड है 5 के और वाई जेड है 10 के, तो 5 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू 1/2। और सी ए अपॉन जेड एक्स, सी ए 4 जेड एक्स 8, 4 1 4 4 2 जेड कैंसिल हो गया। तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर, अच्छा ये सिमिलरिटी का निशान है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड। ओके स्टूडेंट अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की जानिब। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, तो आप पहला और दूसरे सवाल एक्सरसाइज के खुद ही करेंगे। अब तीसरे सवाल से शुरू करते हैं। ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट राइट द क्रोस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल। अब दो ट्राइंगल हमें गिवन है, सही है, ए बी सी और पी क्यू आर। इसमें बोल रहे हैं कि हमें क्रॉस्पॉन्डिंग एंगल्स और क्रॉस्पॉन्डिंग साइड लिखनी है। हम देखिए कैसे शुरू करें, अगर हम कर लें इधर से शुरू करें, एंगल साइड एंगल साइड एंगल, सही है, एंगल एंगल साइड एंगल साइड हम लिख लेते हैं। अब देखिए हमने इधर से शुरू किया तो ये आ रहा है एंगल साइड एंगल साइड एंगल, और देखिए एंगल एंगल दो बार एंगल आ रहे हैं, बराबर नहीं है। तो एंगल साइड एंगल साइड और एंगल ऐसा हम करेंगे तो बराबर आ रहा है, यानी ये यहाँ से शुरू होगा ट्राइंगल और ये यहाँ से शुरू होगा, सही है। तो अब हम इसके क्रॉस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखते हैं। देखें एंगल ए किसके इक्वल है, कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, सही है। कैसे पता चला, वही करेंगे एंगल साइड, देखिए एंगल ये और ये एंगल शुरू हुआ, ये साइड शुरू हुई, ये एंगल शुरू हुआ, ये साइड शुरू हुई, एंगल ए और एंगल क्यू पे आ गया, यानी एंगल ए इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल क्यू। अब एंगल बी है, एंगल बी किसके कॉन्ग्रेंट है, सिमिलर इधर से शुरू किया, सही है, और इसको इधर से, तो एंगल बी कॉन्ग्रेंट है एंगल आर के, लिख दिया हमने। एंगल सी किसके कॉन्ग्रेंट है भाई, उन्होंने ये पूछा है, सही है, एंगल एंगल साइड साइड एंगल और ये एंगल, एंगल सी कॉन्ग्रेंट है एंगल पी के। ओके अब देखिए ए बी सिंपल सी बात है, एंगल एंगल साइड और ये साइड, ये एंगल ये एंगल, ये साइड ये साइड, ये एंगल ये एंगल, सही है। तो ए बी बराबर हो गया क्यू आर के। बी सी किसके बराबर है, बी सी एंगल साइड और एंगल, बी सी बराबर हुआ आर पी के, सही है। अबे सी ए किसके बराबर है, सी ए, सी ए सिंपल, देखिए एंगल फिर से शुरू करें, ऐसे करें एंगल ये इधर से शुरू हुआ और ये एंगल, ये साइड, ये एंगल, क्या बोल रहे हम करना है, सी ए, सही है, ये साइड किसके बीच में आ रहा है, पी क्यू के बीच में आ रहा है, और तो सी ए बराबर है पी क्यू के। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, आइडेंटिफाई करने स्टेट द केस ऑफ कॉन्ग्रेंसी इफ कॉन्ग्रेंट, अगर कॉन्ग्रेंट है तो कॉन्ग्रेंस हमें मालूम करना है। देखिए गिवन है बहुत ही आसान, सी ए साइड इक्वल है एफ डी के, ए बी इक्वल है डी ई के और ई एफ इक्वल है बी सी के, सो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, यह पहली प्रॉपर्टी यूज हो गई साइड साइड साइड। दूसरा देखिए सी ए इज इक्वल्स टू एफ डी, ए बी इज इक्वल्स टू डी ई और एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, सो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी साइड एंगल साइड, सही है, दूसरी नहीं तीसरी प्रॉपर्टी। इसी तरह तीसरा सवाल देखिए, सी ए बराबर है एफ डी के, सी इज इक्वल्स टू एफ डी, ए बी इज इक्वल्स टू डी ई एंड एंगल ए, ये वाला नहीं है एंगल, ये इसमें ऐसा ही ये गलती से हो गई, एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल ई, अगर ये एंगल इधर होता तो इक्वल होता, अदरवाइज उधर है तो एंगल इक्वल नहीं है, सो हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज नॉट इक्वल टू ट्राइंगल डी ई एफ।
अब एंगल ए, सॉरी पहले साइड, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, ए बी इज इक्वल्स टू डी ई, एंड बी ई इज, सॉरी ई एफ कर लें या बी ई कर लें कोई मसला नहीं, ई एफ इज इक्वल्स टू, सॉरी एफ इज इक्वल्स टू सी बी. सो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ राइट हैंड साइड, यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड प्रॉपर्टी के बराबर प्रॉपर्टी नंबर फोर. अब चलते हैं क्वेश्चन फिफ्थ की जानिब. अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फाइव है, फाइंड द अननोन एंगल एंड साइड मार्क्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. सही है, कुछ हमें इन्होंने अननोन एंगल या साइड्स दी हुई हैं, हमें वो फाइंड आउट करने हैं. देखिए गिवन क्या है, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड, हमें गिवन है, बता दिया है उन्होंने. अब देखिए ए बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई, दोनों एट हैं, इक्वल आ गया. बी सी इज इक्वल्स टू एक्स जेड, ये भी टू है, ये भी टू है. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स फाइंड आउट करना है. सही है, तो एम ए सी साइड ए सी किसके बराबर है, एक्स सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू साइड एक्स जेड बराबर है सिक्स के. अब ये देखिए ये साइड और ये साइड कॉन्ग्रुएंट है, तो ऑब्वियसली बात है कि एक्स किसके बराबर है, सिक्स के बराबर है. सही है, सिंपल सवाल. अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसमें भी वही सिमिलर सी चीज़ है. ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल यू वी डब्ल्यू, पी क्यू बराबर है यू वी के फाइव, क्यू आर बराबर है वी डब्ल्यू के 3.5. अब एंगल यू फाइंड आउट करना है. सही है, सॉरी ये फाइंड आउट करना है, ये हमें गिवन है एंगल यू इज इक्वल्स टू 25. सो ऑब्वियसली बात है ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल एक्स, सॉरी एंगल पी इज इक्वल्स टू 25. सही है, आप चलते थर्ड पार्ट की जाने. अच्छा देखिए, अब ध्यान से, इसमें थोड़ा ट्रिकी सी बात है. इसको देखिए, इसको इस तरीके से देखें तो ये ए, ये यू है. सही है, इसको हमने लिख दिया सीधा करके, इसी की तरह बना के लिख दिया. ए ऊपर आ गया, एक्स नीचे आ गया, वाई इधर आ गया और जेड. इससे क्या होगा, इससे हमें आसानी होगी सॉल्व करने में, तभी हमने किया है. सही है, अब देखिए सिंपल सी समझ आ रहे हैं, एंगल आर बराबर है एंगल एक्स के. सही है, आर एस साइड बराबर है एक्स वाई के, हमने लिख दिया. एस टी साइड बराबर है वाई जेड के. सही है, दिख रहे हैं. एंगल टी बराबर है 45 के, तो सिंपल सी बात है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से एंगल टी और एंगल जेड किसके बराबर हो गया, 45 के. सही है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ. ये लास्ट पार्ट है इसका. देखिए इस ट्राइंगल में भी वही चीज़ होगी, इसको भी हमने सीधे करके लिख दिया. इसको देखिए ज़रा इस हिसाब से देखें, एक्स वाई जेड. सही है, तो हमने इसको अरेंज करके लिख दिया एक्स वाई जेड, इससे हमें सॉल्व करने में आसानी होगी. अब देखिए सिंपल सी बात है, एंगल ए, सॉरी एंगल जेड है 60 डिग्री का, तो एंगल ए भी 60 डिग्री का हो गया, क्रॉसपॉन्डिंग है ना. सही है, एंगल बी कितना है 40 डिग्री का, तो एक्स भी 40 डिग्री का हो गया. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वाई फाइंड आउट करना है. सही है, तो अब आप इसको इग्नोर करते हैं, सिर्फ इसी में से देखिए. हमें पता है ट्राइंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, तो ट्राइंगल एक्स प्लस जी इज इक्वल्स टू एंगल एक्स प्लस एंगल जेड प्लस एंगल वाई. इसकी जगह आपने 180 लिख दिया, इसकी जगह वैल्यू स्पोर्ट की, एक्स की जगह 40, जेड की जगह 60 प्लस वाई. तो 180 इज इक्वल्स टू 40 प्लस 60 100 प्लस वाई. अब वाई हम इधर ही रहने देंगे और 100 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा. 180 में से 100 माइनस किया, वाई इज इक्वल्स टू 80 डिग्री. स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल. अल्लाह हाफ़िज़.